तो आज इस लेक्चर में हम रेफरल सिस्टम का पार्ट फोर देख रहे हैं। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट थी कि ईमेल वेरिफिकेशन में इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर, जो कि आपको यूजर्स टेबल दिखाई देती है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं कुछ कॉलम जो कि हमने माइग्रेशन चलाया था, जिसमें लाइक आपको मिल जाता है ईमेल वेरीफाइड एट, लाइक जो टाइमिंग होती है उसकी वो यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रिमेम्बर टोकन मिल जाता है, जहां पर आपका वेरिफिकेशन का एक टोकन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कॉलम और ऐड करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डेटाबेस में कि आपको एक कॉलम ऐड करना होगा इस वेरीफाइड का, जैसे कि आपको पता चल सके कि आपका जो मेल है वो वेरीफाइड हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर आते हैं और एक कॉलम ऐड कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ ईमेल वेरीफाइड ऐड के बाद, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नेम रख देता हूँ लाइक इस वेरीफाइड, जो कि होता ही है, बेसिकली आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आप चाहते हो, फिलहाल में हम ये रखेंगे। इंट में यहाँ पर रखूंगा, इसकी लेंथ में लाइक 10 प्रोवाइड कर देता हूँ जो डिफॉल्ट लेंथ है, ठीक है, लाइक 11 होती है डिफॉल्ट तो बेसिकली। और यहाँ पर मैं एज डिफाइंड में क्या करूंगा, 0 रख दूंगा। जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसका जो सेव हो जाएगा वो 0 हो जाएगा इस वेरीफाइड, ठीक है। अगर 1 होगा तो मतलब वो वेरीफाइड यूजर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमने कॉलम इसके अंदर बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले जो हमें करना है वो हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पर, जहां पर हम रजिस्टर करवाते हैं ना यूजर्स को बेसिकली यहाँ से, ठीक है। जब रजिस्टर होता है तभी जाएगी मेल उसके पास, तो हम HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको आई थिंक पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं ना रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेसिकली एक टोकन जनरेट करेंगे जो कि रैंडमली होगा, लाइक हम यहाँ पर क्या करेंगे STR का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसी मेथड का यूज कर सकते हैं, STR कॉलन कॉलन रैंडम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इसकी लेंथ रखेंगे, लाइक हम इसकी रख लेते हैं 50, आप चाहे 100 तक रख सकते हो, ठीक है। इस कॉलम की जो ब्रेथ, सॉरी इस कॉलम की जो वो होती है लेंथ रिमेंबर टोकन की, इसकी मैक्सिमम 100 होती है, ठीक है। मिनिमम आप चाहे कुछ भी रखो, मैं 50 लेकर के चल रहा हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सॉरी टोकन लगा लेते हैं हम यहाँ पर टोकन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है, टोकन। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, जब यूजर रजिस्टर्ड करेगा उसी टाइम पर हमें उसे टेबल में डलवाना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली, हाँ यहाँ पर हम ये जो है आपका कॉलम नेम रिमेंबर टोकन, तो लाइक मैं यहाँ से स्ट्रक्चर करके कॉपी कर लेता हूँ रिमेंबर टोकन, ठीक है। तो यहाँ से जब यूजर रजिस्टर हो रहा है मैं उस जगह जगह जहां पर लगा दूंगा, जहां पर भी मेरा जहां पर यूजर का इंसर्ट हो रहा है डेटा, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हो रहा था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आई थिंक पता होगा, आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका इंसर्ट हो गया, जब कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो आपका टोकन सबमिट हो जाएगा, पर हमें उसे मेल भेजनी है, ठीक है। तो मेल भेजने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा व्यू क्रिएट कर लेते हैं कि व्यू कुछ इस तरीके का होगा उसका, ठीक है। तो लाइक व्यूज, आपको पता है ईमेल्स के अंदर हमारे ऑलरेडी ईमेल के व्यू चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लाइक मैं कर लेता हूँ वेरीफाई मेल करके, ठीक है, वेरीफाई मेल डॉट प्लेट डॉट PHP। आप इसे अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, फिलहाल में मैं जो है अपने तरीके से ही जैसा हो रहा है बेसिकली मैं वैसा कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली कुछ डेटा लेंगे जो कि वहां से आ रहा होगा कंट्रोलर से, लाइक मैं एक डेटा करके वेरिएबल भेजूंगा जिसके अंदर टाइटल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल रख देता हूँ अपने वेरीफाई मेल पेज का, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है बेसिकली, यहाँ पर आपका हम लिख देते हैं लाइक कुछ पैराग्राफ्स में हाय, और यहाँ पर हम यूजर का नेम भेजेंगे, ठीक है। तो लाइक डॉलर डेटा करके आएगा हमारा वेरिएबल, उसमें नेम आएगा, हालांकि मैं इसलिए अभी लिख दे रहा हूँ जिससे कि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो यहाँ पर लिखने में, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू रेफरल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिंक भी मेरे को प्रोवाइड करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लीज प्लीज एक एंकर टैग बना देते हैं हम यहाँ पर, एक एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में हमारा URL आ रहा होगा, तो हम डॉलर डेटा URL करके कुछ इस तरीके से भेजेंगे, जो कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डॉलर डेटा URL, ठीक है। तो इस तरीके से URL आ गया, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर मेल, ठीक है, टू वेरीफाई योर मेल, सॉरी गाइस यहाँ पर टावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में क्या करता हूँ, थैंक यू लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये जो है मेरा व्यू है, अभी हमें इसके अंदर वर्किंग करनी है। तो ठीक है, अब हमें वर्किंग क्या करनी है, हमने बेसिकली इतना काम कर दिया। अभी यहाँ पर आने के बाद ये तो बेसिकली आपकी एक मेल जाती है जो कि रेफरल रजिस्टर के मतलब रेफरल लिंक के लिए जाती है। रेफरल लिंक जो होता है आपका शेयरेबल लिंक, ठीक है, उसके लिए जाती है। सेम मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमारी मेल वहां तक चल चुकी है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन मेल सेंड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक मैं जो है इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बार बार मेरे को टाइप ना करना पड़े, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो यूआर इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास डोमेन तो ऑलरेडी एक वेरिएबल में आ ही रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आ ही रहा है, हमें यहाँ पर अपना यूआरएल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यूआरएल जो मैं क्रिएट करूंगा वो मेरा कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए अब यूआरएल में क्या होगा, आपका ये टोकन जा रहा होगा, ठीक है। तो टोकन जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का राउट बनाने वाले हैं। लाइक आपने लिखा ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, कुछ भी आप राउट बना लो जो आपको लगता है। और मैं यहाँ पर कंकेटिनेट करता हूँ अपना टोकन, ठीक है, टोकन जाएगा स्लैश टोकन करके, ठीक है। ये आपका जो है यूआरएल क्रिएट हो रहा है, जो कि आपने यूआरएल यहाँ पर डाला, ईमेल आ गया आपका, पासवर्ड की हमें नीड नहीं है, यहाँ से हम पासवर्ड हटा देते हैं। यहाँ पर हम टाइटल का नेम लिख देते हैं रेफरल वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन मेल, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मेल सेंड करने वाले हैं, तो लाइक मैं इसी ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे जो है डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब यूजर को दो मेल जाएंगे, एक तो वेरिफिकेशन मेल की और एक रेफरल लिंक वगैरह जो उसके डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल्स के अंदर जो है हमने अभी व्यू बनाया वेरीफाई मेल करके, ठीक है। और यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक ना करें, और यहाँ पर देख सकते हो ये डेटा नाम का हमने वेरिएबल बनाया, जो कि बेसिकली यहाँ पर टाइटल ले रहा है, नेम ले रहा है, और आपका यूआरएल ले रहा है, जो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है। यूआरएल ये रहा, नेम ये रहा, टाइटल ये रहा, ठीक है। ईमेल की हमें यहाँ पर नीड पड़ने वाली है, इसलिए हमने ये यहाँ पर रख ली है, टोला डेटा ईमेल। बेसिकली यहाँ पर आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपने टाइटल रखा इसका, और यहाँ पर ये आपकी ईमेल हुई, और ये आपकी मेल सेंड भी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके डॉलर डेटा में, ये तो इसके लिए था, ये जो डॉलर डेटा का जो वेरिएबल था वो बेसिकली यहाँ तक इसका स्कोप रहा, फिर ठीक है, फिर हमने इसका स्कोप चेंज कर दिया, जो भी यूआरएल नेम ईमेल टाइटल जो हमने अपडेट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर दोबारा से इसे सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर को हम एक मैसेज देंगे, यूअर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लिख सकते हो, प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। तो उसे मेल चेक ही कर लेगा जो भी उसका इशू होगा अपनी उसकी साइड, ठीक है, तो यूजर की साइड। तो ये आपको मैसेज जो है प्रोवाइड कर देना है। अभी हम जो है क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम ये चेक करने वाले हैं एक बार, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा प्रॉपर जाएगा या नहीं मेल, ठीक है। तो अभी मेरी ये ईमेल है जिस पर अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा मेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर अब टेस्टिंग करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर नेम डाला संदीप, संदीप एंड देन चलती हुई मेल डाल रहा हूँ मैं लाइक, एंड देन यहाँ पर कुछ मैंने पासवर्ड डाला समथिंग, ये मैंने कुछ पासवर्ड डाला, एंड देन यहाँ पर मैंने रजिस्टर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, ये दो मेल सेंड करेंगे, तो ये जो कि आपकी यहाँ पर आने वाली है, मैं दोनों मेल्स दिखाऊंगा आपको, वेरिफिकेशन की आएगी, एक आपकी डिटेल्स की आएगी, ठीक है, जब रजिस्टर हो जाएगा। तो अभी मेल सेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, और बेसिकली मेरा लारावेल थोड़ा स्लो था अभी, ठीक है, वरना इतना टाइम नहीं लेता है। तो हो चुका है, यूअर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल एंड प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेल आनी चाहिए मेरे पास। तो हाँ देख सकते हो गाइस, मेरे पास दो मेल्स आ चुकी है, एक तो रजिस्टर्ड की आई है, एक आई है रेफरल वेरिफिकेशन मेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेल आ चुका है कि आप वेरीफाई करो, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लीज क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर मेल। तो यहाँ पर क्या है, हम अपने राउटिंग पर आ चुके हैं, जो कि अभी हमने राउटिंग क्रिएट नहीं किया। चलिए अब हम क्रिएट करने वाले हैं, और हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और हम डेटाबेस में देख लेते हैं कि क्या अभी यूजर रजिस्टर हुआ है, उसका क्या काम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो रिमेम्बर टोकन आ चुका है इसका, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करवाना है, और यहाँ पर इस वेरीफाइड आपका 0 है, और यहाँ पर हमें इसे 1 भी करवाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राउटिंग वगैरह पर ध्यान देना, तो हम चलते हैं यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन को कॉपी करते हैं, राउटिंग पर चलते हैं, इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर राउट्स वेब डॉट पी एच पी, एंड देन नीचे आ जाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
एंड देन ईमेल वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर हम राउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टोकन ले रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोकन नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जो कि आपको पता है स्लैश टोकन चल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करा सकते हैं, लाइक जो भी आप चाहो वो करा लो। फिलहाल में मैं करा लेता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये मेरा मेथड नेम होगा जो कि मैं यूजर कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रिएट होगा हमारा मेथड, तो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका ईमेल वेरिफिकेशन मेथड, जो कि बेसिकली टोकन ले रहा है, ठीक है। जो कि आपका टोकन आ रहा है ना, वहां पर स्लैश लग करके देख सकते हो, तो ये वाला हमारे पास टोकन यहाँ पर आया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टोकन की हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, क्या ये सही है या नहीं है। तो हम यूजर टेबल के अंदर गए, यूजर कॉलन कॉलन वेयर, टोकन हर बार किसी का, हर किसी का अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना रिमेम्बर टोकन, रिमेम्बर टोकन यहाँ से कॉपी करता हूँ, रिमेम्बर टोकन मैंने पास किया और यहाँ पर मेरा डॉलर टोकन, ठीक है। अभी यहाँ पर दो केसेस बनेंगे आपके, लाइक आपका टोकन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपका गलत टोकन होगा तो नहीं मिलेगा, सही होगा तो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे भी क्या क्या हमें करना है, ठीक है। तो लाइक डॉलर यूजर डेटा में आपका डेटा मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंट लगा करके चेक कर लेंगे, काउंट डॉलर यूजर डेटा अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, एल्स में आपका डेटा नहीं मिला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जो कि बेसिकली हमारा एरर्स के लिए होगा, एरर्स या सक्सेस जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं। लाइक मैं जो है मैसेज के लिए रख लेता हूँ, न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ वेरीफाइड करके, वेरीफाइड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। इस फाइल को हमें डायनेमिकली चलाना है, मतलब मैसेज जो होगा इस पर हमें डायनेमिकली प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अब मान के चलिए आपका टोकन जो है गलत है, और गलत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एल्स में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न व्यू करा देंगे, रिटर्न व्यू जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है वेरीफाइड, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक मैसेज, और यहाँ पर आपका मैसेज होगा, लाइक मैं यहाँ से जो मैसेज डालूंगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। ये मैंने जो है यहाँ पर मैसेज डाल दिया यूजर को कि ये आ जाए, जब आपका क्या होता है बेसिकली टोकन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपका टोकन सही है तो उस केस में इफ चलेगा, ठीक है। इफ चलेगा तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, कि आपका ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड हो या नहीं भी हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए ये जो आपका लिंक आया था, अगर इसे आप दोबारा हिट करोगे तो उसमें आना चाहिए ऑलरेडी ईमेल वेरीफाइड, ठीक है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये जो आपका यूजर डेटा आ रहा है, यूजर डेटा में जो जीरो हम इंडेक्स पे से डेटा लेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बेसिकली इस वेरीफाइड नाम की की है, जो कि आपको पता है इस वेरीफाइड जो कि अभी हमने बनाई है। अगर इस वेरीफाइड इक्वल इक्वल बन होती है तो हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल ये रिटर्न व्यू कर दूंगा और यहां से हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, रिटर्न व्यू कर देंगे, मतलब कि उसे ऑलरेडी मिला कि ऑलरेडी ईमेल वेरीफाइड है, इक्वल इक्वल बन ऑलरेडी था उसमें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, योर मेल इज ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर केसेस बना रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने एक केस बनाया कि आपका टोकन गलत होता है, एक मैंने केस बनाया कि आपकी ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड होती है। अगर ऑलरेडी वेरीफाइड होगी तो यहाँ से ये डायरेक्ट रिटर्न कर देगा और आपके व्यू पर आ जाएगा जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है। बेसिकली मैसेज तो हमने प्रिंट कराया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, H1 प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉलर मैसेज, ठीक है। आपको पता है एक ही मैसेज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैसेज कराया हुआ है, आप इसे पेज को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, आप एल्स भले ही मत लगाओ, पर यहाँ पर क्या करोगे, आप यूजर को अपडेट करने वाले हो कि आपकी ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है, तो उस केस के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डॉलर यूजर डेटा में से आप आईडी निकाल लो, जो कि यूजर आईडी है, ठीक है, जो कि आपने आईडी निकाल ली उसकी, और आप उसे क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो उसके डेटा को, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो रिमेम्बर टोकन था आप उसे क्या करो, हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, हटा दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, और हटाओगे तो भी कोई नहीं हटाओगे, मतलब दोनों कंडीशन मेरी समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों केसेस में हटाओ चाहे मत हटाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर पहले ही चेक कर लेगा इस वेरीफाइड इक्वल वन होता है तो ऑलरेडी बता देगा। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम इस वेरीफाइड की जो वैल्यू है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पर अपना मेल वेरीफाइड कर आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे इक्वल टू वन, ठीक है, सॉरी एरो वन, ठीक है। एंड देन आप चाहो तो उसको रिमेम्बर टोकन को एम्प्टी कर सकते हो, पर देखिए मैं बताऊं, जब हम यूजर्स को रजिस्टर करते हैं तो ये टोकन्स रखे रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं भी अगर प्रोजेक्ट्स में वर्किंग करता हूँ तो फर्स्ट टाइम पर हम इसे डाल देते हैं और ये हमेशा डला रहता है जब तक यूजर एग्जिस्ट करता है, डिलीट नहीं होता, ठीक है। पर हम जो चेक लगा रहे हैं वो इस वेरीफाइड पर लगा रहे हैं, ठीक है, हम उसी पर चेक कर लेंगे पहले ही, हम इस पर नौबत ही नहीं आने देंगे रिमेम्बर टोकन पर जाने की, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका ईमेल वेरीफाइड एट है हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपकी डेट जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं और यहाँ पर हम करंट डेट टाइम पास कर देंगे, डेट ईयर मंथ डेट और हावर्स एंड मिनट्स एंड देन आपकी सेकेंड, ठीक है। तो इतना काम जो है आपको करना है और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू वेरीफाइड को ही हम डायरेक्ट दोबारा से यहाँ पर कॉल कर लेंगे और यहाँ से हम बोल देते हैं, क्या मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं योर, और यहाँ पर हम कुछ कंकेटिनेट कर सकते हैं लाइक अपनी मेल को, डॉलर यूजर डेटा जीरो एंड देन आपकी ईमेल, ठीक है। यहाँ पर हम कंकेटिनेट कर रहे हैं बेसिकली डेटा को और यहाँ पर हम बोल रहे हैं योर मेल लाइक मेरी संदीप एनेक्ट, तो योर संदीप एनेक्ट @gmail.com मेल वेरीफाइड सक्सेसफुल सक्सेसफुल, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर मैसेज दे दिया, यस सक्सेसफुली दे दो, ठीक है। तो अभी जो है हम टेस्टिंग की कगार पर हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट की। ऑप्टिमाइज करूंगा मैं एक बार, ऑप्टिमाइज एंड देन फिर मैं करूंगा सर। तो अभी जो है मैं टेस्टिंग करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं यहीं से लिंक को ओपन करता हूँ, ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये जा रहा है हमारे, बोलता है यूएस, ये जो आपकी मेल थी वो मेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैं इसे अगेन रिफ्रेश करता हूँ, अब ये बोलता है योर मेल इज ऑलरेडी वेरीफाइड, मतलब यूजर जब भी इसे ओपन करेगा तो वो बताएगा योर मेल इज ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। लाइक वो अगर यहाँ पर टोकन को गलत डालता है तो यहाँ पर बोलेगा 404 पेज नॉट फाउंड। आप इस पेज को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आपका जो ये वर्किंग था ईमेल प्रोसेसिंग ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।